गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 12th दैट इज़ ट्रांसफार्मर बट ट्रांसफार्मर स्टडी करने से पहले हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये स्टडी करेंगे कि जैसे आपके पास पावर स्टेशन होते हैं क्लियर पावर स्टेशन का काम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना तो आपने देखा होगा जैसे पावर स्टेशन है वहाँ लिखा होता है 3000 थाउजेंड या कितनी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हो उसकी पावर कितनी है ठीक है कितनी पावर की वो एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक पॉइंट पे जनरेट कर हम करते हैं फिर लेकिन उसका यूज़ हम डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में करते हैं कहीं और जाके आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हो फॉर एग्ज़ाम्पल ये वो पावर स्टेशन है जहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो है जनरेट हो रही है क्लियर इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास एनर्जी होती है और यहाँ पे वो एनर्जी जो यूज़ हो रही है दैट इज़ जनरेट जो वो कर रहा है वो वन थाउजेंड वॉट की है ओके सो so, आपने इस एनर्जी को यूज़ करना है किसी और जगह पे जाके मीन्स ये मेरे पास दूसरा पावर स्टेशन है जहाँ पे मुझे ये जो एनर्जी बन रही है वहाँ उसका यूज़ करना है ओके तो so, अब आपने जो यहाँ पे एनर्जी जनरेट की है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया है उसको आपको यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए कुछ मीडियम चाहिए तो हम उसको ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू भेजते हैं फॉर एग्जांपल दीज आर ट्रांसमिशन लाइन तो अपने इसके थ्रू भेजते हैं अब आप आपको पता है वायर्स के थ्रू जब आप उसको भेजोगे तो वायर में जब करंट फ्लो करेगा एनर्जी है तो करंट की फॉर्म में फ्लो करेगा तो जब करंट वेनएवर द करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू एनी वायर और वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है देन उस रेजिस्टेंस में से जब करंट फ्लो करेगा तो वहाँ पे उस रेजिस्टेंस में से करंट को फ़्लो करवाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा मींस जो हमने एनर्जी यहाँ जनरेट की है उस एनर्जी का कुछ हिस्सा करंट को इन वायर्स के थ्रू लेके जाने के लिए खत्म हो जाएगा और वो हीट एनर्जी के फॉर्म में एनवायरमेंट में रेडिएट हो जाएगी क्लियर तो फॉर एग्जांपल थाउजेंड वॉट आपने यहाँ पे जनरेट किया और यहाँ पे कुछ हिस्सा यूज हो गया फॉर एग्जाम्पल यहाँ से जब लेके गए तो आपका फोर हंड्रेड जो है ठीक है वो एनर्जी आपकी यूज़ होगी अब मैं इसको पावर आप बोलोगे एनर्जी क्यों बोल रही हूँ क्योंकि आपको पता है पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट एंड द पावर कैन ऑल्सो रिटर्न एज वर्क डन और द वर्क और एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड वर्क अपॉन टाइम होता है ना कि पर सेकेंड आपने कितनी एनर्जी यूज़ की जितनी आप एनर्जी यूज़ करते हो उतनी ही एनर्जी दूसरी जगह कंज्यूम होती है प्रोड्यूस होती है ठीक है जैसे आप काम कर रहे हो करंट को फ्लो करवाने के लिए तो वो जो काम एक्सटर्नल सोर्स करेगा वो हीट एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा तो जितना वो काम करेगा उतनी हीट एनर्जी जनरेट होती है तो यहाँ पे हम पावर को लिख सकते हैं वर्क और एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड पर सेकेंड में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको पावर बोलते हैं तो ये एनर्जी ही होती है तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जहाँ पे आपने 1000 थाउजेंड वाट एनर्जी जनरेट की लेट उस एनर्जी में से 400 हंड्रेड वाट जो है वो यहाँ से करंट को फ़्लो करवाने के लिए चला गया ठीक है अब जब यहाँ से 400 हंड्रेड वाट चला गया तो खर्चा तो यहीं से हुआ अगर 400 हंड्रेड आप यहाँ खर्च रहे हो वायर्स में से करंट को फ़्लो करवाने के लिए तो आपको आउटपुट कितनी मिलेगी वन तो मिलेगी नहीं वन से कम ही मिलेगी तो यहाँ पर आपको सिक्स हंड्रेड वाट मिलेगा क्लियर मीन्स जो आप करंट फ्लो करवाओगे उसको फ्लो करवाने के लिए जितनी ज़्यादा एनर्जी आप यूज़ कर दोगे उतने ही कम आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगी क्योंकि वो एनर्जी का खर्चा यहीं से होगा बाहर से थोड़ी ना कोई देगा तो आप ये चाहते हो कि आपने जो एनर्जी यहाँ जनरेट की उसका मैक्सिमम पार्ट यहाँ आपको मिल जाए तो वो मैक्सिमम पार्ट सिर्फ तभी मिलेगा जब इन ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू एनर्जी लॉस कैसा होगा कम होगा जितना कम एनर्जी लॉस होगा आपको उतनी ही ज़्यादा आउटपुट इसके अक्रॉस मिलेगी क्लियर दैट इज योर स्टेप नंबर वन तो मैंने आपको बोला कि जब भी आप पावर स्टेशन में एनर्जी जनरेट करते हो तो आपको वो एनर्जी कहीं और यूज़ करनी पड़ती है तो यू हैव टू सप्लाई द एनर्जी और द uh, जो आपका पावर है थ्रू अ ट्रांसमिशन लाइन्स एंड वेन एवर द एनर्जी इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन देन बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस द सम पार्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज इन द फॉर्म ऑफ या आप सिंपल बोलोगे उसको हीट एनर्जी की फॉर्म में ख़त्म हो जाएगा तो जो आप यूज़ करोगे तो आपका आउटपुट जो है उसको फ़र्क पड़ेगा तो आप चाहते हो जितनी आप बना रहे हो उतनी आपको मैक्सिमम यहाँ मिले तो हमें क्या चीज़ करनी पड़ती है कि जितनी आप इनपुट दे रहे हो जितनी आपकी यहाँ बन रही है उतनी ही आपको थाउजेंड है तो ऑलमोस्ट थाउजेंड के आसपास आपको यहाँ पर पावर मिल जाए क्लियर तो आपने एक चीज़ रखनी है यहाँ पे इसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकंड तो मैं पावर को अगर एनर्जी बोलूँ तो आप कंफ्यूज नहीं करेंगे बिकॉज पावर इज़ आल्सो नोन एज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकंड एक सेकंड में कितनी एनर्जी तो यहाँ पे जितनी भी आप कैलकुलेशन करोगे वहाँ पे हम पर सेकेंड के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं ओके इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वन थाउजेंड वॉट का आपने एनर्जी और जनरेट की है अब आपको यहाँ भेजना है तो इसके देखो दो स्टेप्स है फॉर एग्जाम्पल आपने पावर जो है यहाँ पे थाउजेंड की यूज़ की तो इसको आप ये दो चीज़ों का प्रोडक्ट होता है ये इसके बराबर है तो मैंने मान लो जो आपने एनर्जी यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेजी वैंने फाइव हंड्रेड वोल्टेज पर भेजी जब आप 500 हंड्रेड वोल्टेज पर उसको भेजोगे तो करंट जो है वो टू हो जाएगा तभी फाइव हंड्रेड इंटू टू दैट विल इक्वल टू थाउजेंड तो आपने जब ये हंड्रेड सॉरी थाउजेंड वॉट की एनर्जी को जब ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू भेजा तो लेट मैंने फाइव थाउजेंड वोल्ट पे भेजा तो करंट मेरे पास टू एम पैर आएगा जब करंट टू एम पर आएगा तो हमें देखना कितनी एनर्जी यहाँ से प्रोड्यूस होगी फॉर एग्जाम्पल ये जो वायर है ये हमें टेन ओम की रेजिस्टेंस देगा हर एक स्टेज पे ठीक है तो मैंने कांस्टेंट नंबर लिया रेजिस्टेंस का तो अब आपने देखना है इस वायर में कितनी हीट जनरेट होगी इस पर्टिकुलर केस में तो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड जब आप पावर पर सेकंड देख रहे हो तो हीट प्रोड्यूस्ड भी पर सेकंड देखोगे तो हीट प्रोड्यूस्ड पर सेकंड जूल लॉ के अकॉर्डिंग आई स्क्र आर टी होता है अपॉन टी टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा यू विल गेट आ, आई स्क्र आर और आपको पता है आई स्क्र आर जो होती है वो पावर ही होती है क्लियर बी स्क्र बाई आर बी इन टू आई आई स्क्र आर ये सारी पावर्स है तो यहाँ पे आई स्क्र इं आर आ जाएगा आई कितना देखो टू एम्पेयर तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने ट्रांसमिशन लाइन की 10 कंसीडर किए तो 40 मींस यहाँ से जब आप करंट को भेजोगे तो जब आप एनर्जी को थाउजेंड वोट की एनर्जी को भेजोगे तो 40 वोट 40 वॉट का यहाँ पे यूज़ हो जाएगा ठीक है जब आप थाउजेंड में से 40 वॉट यहाँ खर्च कर दोगे तो आपके पास कितनी आउटपुट आएगी नाइन ओके अब नेक्स्ट में मैंने क्या किया वोल्टेज को कम कर दिया अब मान लो इसी थाउजेंड एनर्जी को आपने 200 वोल्ट पे भेजना है तो 200 हंड्रेड वोल्ट पे जब आप भेजोगे तो ऑब्वियसली बात है करंट को क्या होना पड़ेगा इंक्रीज होना पड़ेगा वी को अगर आप रिड्यूस करें तो आई को तो इंक्रीज करना पड़ेगा तो फाइव हो गया अब कितनी हीट जनरेट होगी इस पर्टिकुलर करंट पे तो आई स्क्वेयर इंटू आर फाइव का स्क्वेयर इंटू टेन देन यू विल गेट टू फिफ्टी और जब आप वन थाउजेंड में से टू फिफ्टी को माइनस करोगे देन यू विल गेट सेवन फिफ्टी वोट मतलब एक हज़ार में से दो सौ पचास वोल्ट का खर्चा यहाँ हो जाएगा और आपको आउटपुट यहाँ मिलेगी सेवन फिफ्टी की ठीक है अब आपने वोल्टेज को और कम कर दिया हंड्रेड तो करंट टेन हो जाएगा सो दैट द प्रोडक्ट रिमेन सेम थाउजेंड तो अब हीट जनरेट कितनी होगी करंट है टेन तो यह, यह बनेगा टेन का स्क्वायर रेजिस्टेंस टेन है वायर की रेजिस्टेंस सेम ही ले रही हूँ तो आपका थाउजेंड वॉट खर्च हो जाएगा तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ से हम एक चीज़ देखते हैं कि जब भी हम एनर्जी की ट्रांसमिशन करते हैं तो जितनी ज़्यादा हम वोल्टेज रखते हैं वोल्टेज की वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी एनर्जी लॉस उतना ही कम होगा और जितना कम एनर्जी लॉस होगा हमें उतनी ही ज़्यादा आउटपुट मिलेगी तो हमारे पास यहाँ से ये स्टेप बनता है कि वेन एवर वी वॉन्ट टू ट्रांसमिट अ एनर्जी फ्रॉम वन स्टेशन टू द अनदर स्टेशन देन वी हैव टू कीप द वोल्टेज हाई हमें मैक्सिमम रखनी पड़ती है क्योंकि मैक्सिमम के बजाय अगर उसको मिनिमम करते जाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी इफ़ द करंट मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज़ इंक्रीजिंग देन द हीट एनर्जी जनरेटेड पर सेकेंड डिक्रीजेज़ सॉरी ये भी इंक्रीज़ करती जाएगी देखो बढ़ती जा रही है खर्चा बढ़ता जा रहा है तो आउटपुट घटती जाएगी तो इसीलिए आपका एक क्वेश्चन आता है कि पावर सप्लाई जो है वो आप कौन सी वोल्टेज़ पे करते हो हमेशा पावर सप्लाई जो होती है वो हमेशा हाई वोल्टेज पे होती है हाई वोल्टेज पे जब होगी तो हमेशा याद रखेंगे करंट कैसा होगा हाई वोल्टेज पे कम होगा और जब करंट कम होगा तो हीट प्रोड्यूस पर सेकेंड और एनर्जी लॉस जो यहाँ होगा एनर्जी लॉस वो भी क्या होगा कम होगा और हमें आउटपुट कैसी मिलेगी ज़्यादा तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो आप लिखोगे कि ये हमेशा हाई वोल्टेज़ पे ही होगी मीन्स जो भी हमारे पास ये जो पोल्स वगैरह लगे होते हैं वहाँ पे जो मेरे पास करंट आता है एनर्जी आती है वो हमेशा हाई वोल्टेज़ पे ही होती है अब जैसे मान लो मेरे पास हाई वोल्टेज़ पे आ गई हमें तो हाई वोल्टेज पे भेजना पड़ता है वरना एनर्जी लॉस हो जाएगा मिलेगा ही कुछ नहीं तो अब हमें क्या करना है मुझे जैसे हाउस होल्ड है हमारे घर पर तो यहाँ पर बोलते हैं वोल्टेज टू वोल्ट आ रही है ठीक है ए जो आती है तो बोला वहाँ पे 220 ट्वेंटी वोल्ट आ रही है तो हमें तो 220 ट्वेंटी वोल्ट तो आती नहीं है हमें तो ज़्यादा वोल्टेज पे भेजनी पड़ती है लेकिन हाउस होल्ड अप्लाइंसिस में हमें वोल्टेज जो है वो कम यूज़ करनी पड़ती है कोई जो है वो कम वोल्टेज पे काम करता है कुछ डिवाइस जो है वो ज़्यादा वोल्टेज पे काम करता है तो पीछे से तो ज़्यादा वोल्टेज आती है तो हमें क्या करना पड़ता है उस वोल्टेज को एडजस्ट करना पड़ता है मीन्स हमें उस जो हाई वोल्टेज आ रही है उसको अकॉर्डिंग टू आल इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस कन्वीनियंस उसके अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करना पड़ता है चेंज करना पड़ता है जिन डिवाइसिस पे कम वोल्टेज पे काम करते हैं वहाँ पे हमें वोल्टेज को लो करना पड़ता है और जो हाई वोल्टेज पे काम करते हैं वहाँ पे वोल्टेज को हाई करना पड़ता है लेकिन पीछे से तो फिक्स्ड है कि हाई पे ही आएगी तो इसीलिए लिए वोल्टेज़ को चेंज करने के लिए हम डिवाइस का यूज़ करते हैं दैट डिवाइस इज़ नोन एज ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है क्लियर तो ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है अब मैंने आपको एक चीज़ बता दी जो आप ध्यान रखेंगे कि वैन एवर द वोल्टेज इज़ हाई देन द करंट मस्ट बी लो ओके और सो वैन एवर द वोल्टेज इज़ लो देन द करंट मस्ट बी हाई तो आपका जो ट्रांसफार्मर है ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है एक डिवाइस है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट जिसका यूज़ हम करते हैं टू कन्वर्ट द हाई वोल्टेज़ और अगर हाई वोल्टेज है तो करंट कैसा होगा लो जिसे हमें यूज़ करना पड़ता है हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए एंड वाइस वर्सा ठीक है हाई वोल्टेज है तो आप साथ में लो करंट ज़रूर लिखेंगे उसको आपको लो वोल्टेज में चेंज करना है अगर वोल्टेज लो है तो करंट हाई होगा एंड वाइस वर्सा मीन्स इट इज़ अ डिवाइस विच इज यूज टू कन्वर्ट हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज और लो वोल्टेज टू हाई हाई को लो में भी बदलता है लो को हाई में भी बदलता है दैट इज द ट्रांसफॉर्मर कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है इट वर्क ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल्स होती है एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी होती है उस पर वो काम करता है ठीक है इसको आप एक्सप्लेन करके लिखेंगे म्यूचुअल इंडक्शन की स्टेटमेंट दे देंगे अब वो कैसे काम करता है अब देखो आपको एक एडिक्रंट का टॉपिक हमने पीछे किया था एडिकरंट में क्या होता है जैसे आपके पास ये पूरा ब्लॉक है पूरा ब्लॉक है ये ठीक है तो अब जब आप इस पूरे मेटालिक ब्लॉक में से करंट को चेंज करेंगे ठीक है अगर आपने करंट को क्या किया चेंज सॉरी कर... इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जब आप चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जब चेंज होगा तो इस मेटालिक पीस में से खुद ब खुद करंट जनरेट हो जाता है जिसको हम एडी करंट बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट जो है जब हम वायर की बात करते हैं तो इंड्यूस्ड करंट होता है और जब पूरे ब्लॉक में से मेटालिक ब्लॉक में से करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें क्या चीज़ जनरेट होती है उसमें एडी करंट जनरेट होता है तो एडी करंट जब जनरेट हो जाएगा इसमें तो उसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो एक तरह का एनर्जी लॉस ही होता है इसलिए उस एनर्जी लॉस को बचने के लिए हम पूरा ब्लॉक नहीं लेते एडी करंट का टॉपिक जो आपको किया था उसमें हम ऐसे शीट्स की फॉर्म में लेते हैं ऐसे ऐसे करके ऐसे होगा जैसे आपने पूरा ब्लॉक नहीं लिया उसको से शीट्स की फॉर्म में एक शीट रखी फिर दूसरी तीसरी ऐसे अलग अलग शीट्स रखी और उसको फिर ज्वाइन कर दिया जिसमें आप ये जो एक शीट है इसको लेमिनेट कर, कर देते हैं लेमिनेशन कर देते हैं एक शीट की लेमिनेट की फिर जो दूसरी वाली दिख रही है इसको लेमिनेट कर दोगे ठीक है फिर तीसरी को लेमिनेट कर दोगे ऐसे करके जितनी भी पतली पतली सी शीट्स आपने रखी होती है उसको लेमिनेट करके आप ऐसे जोड़ देते हो तो आपके पास एक ब्लॉक बन जाता है लेकिन पूरा इकट्ठा मोटा सा ब्लॉक नहीं लेना है उस ब्लॉक को आप पतली पतली शीट्स की फॉर्म में लेमिनेट करके रखते हो अब इस शीट में जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें खुद ब खुद एडीकरण डेवलप हो जाएगा लेकिन अब क्या होगा एक शीट पे इस पर एडीकरण डेवलप हो गया घूमेगा लेकिन इसमें लेमिनेशन है लेमिनेशन का मतलब ये नहीं है कि उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन फ्लो नहीं करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो इसमें से जाएंगी लेकिन जब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन में आप चेंज करोगे तो इसके हर एक हिस्से में एडी करंट डेवलप होगा तो आप देखोगे इसको आपने लेमिनेट किया है इसको भी लेमिनेट किया है लेमिनेशन का फर्क होगा करंट पे तो जब आप इसको चेंज करोगे इसमें करंट डेवलप होगा इसमें एडीकरण कर डेवलप हो गया फिर जब आप दूसरे की बात करोगे इसमें भी एडी करंट होगा तीसरे की बात करोगे उसमें भी एडी करंट होगा लेकिन लेमिनेशन होने की वजह से इसका एडी करंट इसके साथ एडअप नहीं होगा और इसका एडी करंट इसके साथ एडअप नहीं होगा यानी कि आप एडीकरेंट के इफेक्ट को क्या कर दोगे मिनिमाइज़ कर दोगे अगर पूरा ब्लॉक होता तो हर एक हिस्से का एडीकरेंट आता इकट्ठा जुड़ता और हीट एनर्जी प्रोड्यूस ज़्यादा होती लेकिन जब हम उसको शीट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं देन द इफेक्ट ऑफ एडीकरेंट विल मिनिमाइज डिक्रीज़ हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वट डू यू मीन बाई एडीकरेंट एंड हाउ वी कैन रिड्यूस द और द मिनिमाइज द एडीकरेंट तो ऐसी शीट्स की फॉर्म में हम उसको मिनिमाइज़ करते हैं ठीक है थीके? तो इसको हम मिनिमाइज कर देंगे एक शीट को फिर दूसरे को ठीक है तो इससे एडी करंट को हम मिनिमाइज करते हैं अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर का क्या होता है ट्रांसफार्मर में आप ऐसी ही शीट लेते हो अब देखो एडी करंट में हम क्या करते हैं ऐसी शीट्स लेंगे आप बीच में से खाली होगा तो ऐसे करके आपने बड़ी सारी शीट्स लेनी है मैंने एक ही शो किया आपको ऐसे बीच में से खाली होगा जैसे यहाँ दिख रही है ना पिक्चर्स एक दो तीन चार ऐसे बड़ी सारी बारीक सी सॉफ्ट आयरन की शीट्स आप लेते हो ये सॉफ्ट आयरन की शीट है अब आप ध्यान रखेंगे कि सॉफ्ट आयरन का शीट क्यों लिया है बिकॉज सॉफ्ट आयरन इज अ फैरो मैग्नेटिक मटीरियल वो अपने अंदर से सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लीकेज होने से बचाता है मतलब सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को जोड़ेगा और अपने अंदर से फ्लो करवाने के लिए कंपेल करता है क्लियर तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ऐसे सॉफ्ट आयरन की शीट्स लेते हैं ऐसे बड़ी सारी शीट्स को एक दूसरे पे रख देते हैं और लेमिनेटेड शीट्स होती है क्योंकि जब मेटालिक में से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उसमें खुद ब खुद एडिक्रंट डेवलप हो जाएगा सॉफ्ट आयरन के आयरन क्या मेटली जो है तो वहाँ पे अपने आप यहाँ एडी करंट डेवलप हो जाएगा तो ट्रांसफार्मर में एडी करंट का कोई काम नहीं है तो यहाँ पे आप इस शीट को लोगे और इस शीट के इस तरफ आपने कॉपर की वायर ली होती है और उसको नंबर ऑफ टर्न दे के के साथ सोर्स के साथ ज्वाइन किया होता है ठीक है और दूसरी तरफ जो दूसरी साइड है जैसे ये वाली साइड यहाँ पे भी आपने कॉपर की वार ली होती है और यहाँ पे आपने आउटपुट जिसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं आरएल लिखते हैं यहाँ से आउटपुट मिलेगी यहाँ से हम इनपुट दे रहे हैं इसको ज्वाइन करते हैं ट्रांसफॉर्मर में आप ध्यान रखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स बराबर नहीं रखने हैं मैं आगे बताऊंगी किस में रखने हैं तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ किया है कि जो सॉफ्ट आयरन का कोर है उस सॉफ्ट आयरन के कोर के ऊपर आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कोयल को ये प्राइमरी है ये मेरे पास सेकेंडरी कोयल है इसको आप क्या करते हैं नंबर ऑफ टर्न्नस देते हैं ठीक है क्लियर अब वाई वी आर यूजिंग द सॉफ्ट आयरन शीट क्योंकि जो सॉफ्ट आयरन है देखो यहाँ पे मैंने एसी का सोर्स लगाया है जब इस इसमें आप एसी का सोर्स दोगे तो आपको पता है एसी में करंट ऐसे चेंज होता है करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो वो करंट इन कॉपर वायर्स में चलेगा ग्रीन जो है वो सॉफ्ट आयरन की शीट्स है ब्लैक वाला जो है वो कॉपर है ठीक है जब भी करंट फ्लो करेगा तो इस ब्लैक वाली वायर जो है आपकी इस ब्लैक वाली वायर यानी कि कॉपर की वायर में से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होगा और जब आपको पता है सोलिनोइड में से करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो आपको पता है कि उस सोलिनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेंगी वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस सॉफ्ट आयरन में से फ्लो करके जाएंगी और ये सॉफ्ट आयरन का कोर जो है वो फैरो मैग्नेटिक है वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्राइमरी कॉइल के साथ जुड़ी होंगी वो उसको किसके साथ ज्वाइन करेगा सेकेंडरी के साथ ऐसे फ़्लो करके जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ जुड़ जाएंगी जब करंट नहीं होगा तो इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी ठीक है जब करंट इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी कि फ्लक्स चेंज होगा वो एंटायर फ्लक्स जो है सॉफ्ट आयरन का कोर जो है वो किसके साथ जॉइन कर देता है सेकेंडरी के साथ क्लियर तो जितना फ्लक्स प्राइमरी में चेंज होगा उतना ही सेम फ्लक्स सेकेंडरी में चेंज होगा यहां पे हमने एनर्जी लॉसेस अभी कंसीडर नहीं किए तो सॉफ्ट आयरन बीइंग अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल उसका काम क्या है एनर्जी लॉसेस को रोकना ठीक है अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब भी आप प्राइमरी कॉयल में मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करोगे तो वही मैग्नेटिक आप यहाँ पर मान लो यहाँ पर शुरू में फ़्लक्स नहीं है एक टर्न पर कुछ टाइम के बाद देखा कि इसमें से दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस करके गई तो दूसरे में से भी तो दो ही जाएंगी पहले ज़ीरो था फिर इसमें से दो गई तो इसमें भी ज़ीरो था इसमें से दो गई वही दो फील्ड लाइन यहाँ जुड़ी है तो इसके भी हर एक टर्न के साथ दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही जुड़ेंगी मतलब जितना फ्लक्स फर्स्ट टर्न में चेंज आएगा उतना ही चेंज इन फ्लक्स सेकेंड टर्न में आएगा उतना ही चेंज इन फ्लक्स इस टर्न में आएगा हर एक टर्न में सेम चेंज आता है क्लियर अब नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होते हैं ट्रांसफार्मर दो तरह के होते हैं एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर एक होता है स्टेप डाउन स्टेप अप का मतलब है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करता है डाउन का मतलब है जो हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करता है जब भी आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कम रखेंगे और सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो ज़्यादा होंगे और टर्न्स को इस फ्रेम के अंदर पूरा लेना है ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ टर्न से पता लगता है कि ई कितनी यानी कि वोल्टेज कितनी जनरेट हो रही है मोर द नंबर ऑफ टर्न मोर विल बी द वोल्टेज क्लियर तो यहाँ पे मुझे स्टेप आप में मतलब ज़्यादा वोल्टेज चाहिए दे हम कम वोल्टेज रहें चाहिए मुझे कैसी ज़्यादा वोल्टेज तो जहाँ से मुझे ज़्यादा चाहिए तो आउटपुट में मुझे नंबर ऑफ़ टर्न्स को क्या रखना पड़ेगा ज़्यादा तो नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में हम एन पी लिखते हैं सेकेंडरी में एन एस लिखते हैं इसमें एन पी इज लेस देन एन एस आएगा डाउन में क्या मुझे वोल्टेज को घटाना है ठीक है रिड्यूस करना है तो घटाने के लिए मुझे आउटपुट कम चाहिए तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा रखोगे और आउटपुट में नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे तो ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है क्लियर तो इसमें एनएस लेस देन एन पी होगा तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जब आप ए सी दोगे तो प्राइमरी कोयल के अक्रॉस करंट में चेंज आएगा प्राइमरी कोयल में जब करंट में चेंज आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन में भी चेंज आएगा वही फ्लक्स में जो चेंज आएगा वो सॉफ्ट आयरन का पीस जो है वो उसको किसके साथ ज्वाइन कर देगा सेकेंडरी के साथ तो जो चेंज इन फ्लक्स प्राइमरी में आएगा वही चेंज इन फ्लक्स सेकेंडरी में आएगा क्लियर तो मैंने ये देखा प्राइमरी की हम पहले बात करते हैं कि सपोज डी फाइव इज़ अ चेंज इन द फ्लक्स अक्रॉस वन टर्न इसके एक टर्न में फ्लक्स कितना चेंज आया डी फाइव तो जब भी फ्लक्स में चेंज आता तो है, है तो फेरडे के लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ पर ई जनरेट होती है तो लेट प्राइमरी कॉइल की एक टर्न में कितनी ई जनरेट होगी तो उसको लिखा है माइनस डी फाइव इसके दूसरे टर्न में कितनी होगी तो मैंने आपको अभी बताया अगर दो लाइंस इसके साथ जुड़ी है तो अगले के साथ भी दो ही जुड़ेंगी तो आप लिखोगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंड टर्न तो सेकेंड टर्न में भी तो डी फाइव बाई डी टी होगा थर्ड टर्न में भी डी फाइव बाई डी टी होगा सेकेंडरी के भी हर एक टर्न में डी फाइव बाई डी टी ही होगा तो आपने बताना प्राइमरी में पूरे में कितनी इंड्यूस्ड ई एम एफ आई है तो अगर एक टर्न में इतनी है दूसरे में भी उतनी है तो आप क्या करो एक टर्न की ई एम एफ निकाल दो और जब आप टोटल ई एम एफ निकालोगे तो नंबर ऑफ टर्नस को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो लेट एन पी इज द नंबर ऑफ टर्नस इन द प्राइमरी सो द टोटल ई एम एफ अक्रॉस द प्राइमरी कॉयल दैट इज इक्वल टू ई पी ठीक है दैट इज़ द इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द प्राइमरी कोयल विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स को मल्टीप्लाई कर दो एन पी डी फाइव बाई डी टी सिमिलरली एक टर्न सेकेंड्रिक ऑयल में कितना होगा तो प्राइमरी में जितना चेंज होगा सेकेंडरी में भी उतना आएगा तो एक टर्न में डी फाई बाय डी टी आया टोटल ई एम एफ अक्रॉस सेकेंड्रिक ऑयल तो टोटल ई एम एफ में जितने नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी के हैं उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस एन एस डी फाइव बाई डी टी आएगा डिवाइड सेकेंड बाय फर्स्ट देन यू विल गेट दिस ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ई एस अपन ई पी इजिकल टू एन एस अप एन पी तो डायरेक्टलेसन है मोर द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल मोर विल बी द ई एम एफ इन द सेकेंडरी कॉइल ठीक है डायरेक्ट रिलेशन है तो स्टेप अप में क्या होता है स्टेप अप में नंबर ऑफ टर्नस प्राइमरी में कम होते हैं सेकेंडरी में कैसे होते हैं ज़्यादा होते हैं तो जब प्राइमरी में कम है सेकेंडरी में ज़्यादा है तो ये रेशियो जो है ऑब्वियस सी बात है ऊपर नंबर बड़ा नीचे नंबर छोटा तो ये रेशियो जो है वो ग्रेटर देन वन आएगी अगर ये ग्रेटर है, तो ये भी हमारे पास ग्रेटर ही होगी तो, में come, में है, तो यहां से तो ज्यादा तो ही है तो में क्या होता है हम लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में चेंज करते हैं तो देखो सेकेंडरी वाले में मेरे पास आउटपुट वोल्टेज आती है तो ई एस की वैल्यू जो है ई पी से कैसी आ रही है ज्यादा ही आ रही है क्लियर तो ये आ जाएगा मेरे पास स्टेप अप का नेक्स्ट आता है स्टेप डाउन में स्टेप डाउन में एनपी एनपी जो है वो क्या होता है डाउन में प्राइमरी में ज्यादा होता है सेकेंडरी में कम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं एन एस अप एन पी की वैल्यू लेस देन वन हो जाएगी तो ई एस अप ई पी की वैल्यू भी लेस देन वन होगी तो यहाँ से इंड्यूस्ड ई एम एफ़ इन सेकेंडरी में कम आएगी और प्राइमरी में कैसी होगी ज़्यादा तो स्टेप डाउन में हम वही तो करते हैं प्राइमरी में हमारे पास वोल्टेज जो होती है वो ज़्यादा होती है और सेकेंडरी में मुझे वोल्टेज क्या करनी होती है कम करनी होती है तो देखो यहाँ पे दी तो है तो नंबर ऑफ टर्न्स का डरेक्लेशन है इंड्यूस्ड ई एम एफ़ के साथ क्लियर नेक्स्ट आता है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर में हम किसी भी तरह के एनर्जी लॉसेस कंसीडर नहीं करते जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ जब मुझे किसी भी तरह के एनर्जी लॉसेस हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकंड प्राइमरी में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकंड होगी उतनी एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड सेकेंडरी में भी होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड को हम पावर बोलते हैं सो इनपुट पावर दैट मस्ट भी इक्वल टू द आउटपुट पावर क्लियर इनपुट पावर प्राइमरी की है दैट इज़ ई पी आई पी ई पी इज़ द प्राइम इंड्यूस्ड ई एम एफ इन द प्राइमरी कोयल आई पी इज़ द करंट इन द प्राइमरी कोयल ओके सो आउटपुट पावर क्या आएगी अगेन करंट और वोल्टेज का प्रोडक्ट है तो सेकेंडरी की क्या आएगी सेकेंडरी हमारे पास आउटपुट है तो सेकेंडरी की ई एम एफ जो है ई एस है और करंट जो वो आई एस है यहाँ से बराबर होंगे यहाँ से ई एस अपॉन ई पी की रेशियो आई पी अपन आई एस आ जाएगी यहाँ से इनका इन्वर्सेशन है अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो करंट क्या होगा कम और अगर वोल्टेज जो है वो कम तो करंट कैसा होगा ज़्यादा इनवर्सेशन लेकिन जो मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्नस का और ई e का रिलेशन है वो डायरेक्ट है ठीक है नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे तो ई e भी ज़्यादा होगी लेकिन हमने क्या बताया है? कि वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर का, का काम है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना और हाई वोल्टेज को लो में कन्वर्ट करना तो वो वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है क्लियर तो ये कैसे करता है तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप आपको वो बताऊंगी जैसे आपको बता दिया इनवर्सलेशन है तो स्टेप अप में हमने अभी पढ़ा स्टेप अप में आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो इनपुट वोल्टेज से ज्यादा होती है तो अगर ये नंबर बड़ा है ये नंबर छोटा है तो ये वाली रेशो जो है दैट इज ग्रेटर देन वन अगर ये रेशो ग्रेटर देन वन है तो आई पी अपन आई एस इज ऑल्सो ग्रेटर देन वन विच इज इक्वल टू आई पी इज ग्रेटर देन आई एस क्लियर मतलब स्टेप अप में क्या होता है आपकी आउटपुट वोल्टेज जो होती है वो ज्यादा होती है लेकिन अगर आउटपुट वोल्टेज ज्यादा है क्लियर तो आउटपुट कम करंट देखो कैसा है वो कम है क्योंकि आपको पता है एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड का मतलब है वी इंटू आई ये क्या चीज़ है एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड ये वी इंटू आई है तो जो आपका ट्रांसफार्मर है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जिसका काम है वोल्टेज को बढ़ाना ठीक है वो वोल्टेज को बढ़ाता है लेकिन वोल्टेज को बढ़ाता कैसे है बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट देखो आउटपुट का करंट कम हो जाता है तो जो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर है वो तो वोल्टेज को अपने आप ऐड नहीं करता है आपने जितना दिया उसको बढ़ा के देता है तो उसका मतलब ये नहीं कि अपने बना के देगा नहीं वो सिर्फ क्या करता है कि वोल्टेज को इंक्रीज कर देता है बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट ये बढ़ेगा करंट की वैल्यू को कम कर देगा क्लियर तो एक चीज़ बढ़ रही है दूसरी क्या और एक काम हो रही है यानी कि ये इस चीज़ को वॉयलेट नहीं कर रहा है तो एक आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आता है कि एनर्जी कैन इधर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड तो इसमें ये एनर्जी के लॉ को वॉयलेट नहीं करता एनर्जी जो है वो वी और आई है सिर्फ वो क्या करता अकेली वोल्टेज एनर्जी नहीं है अकेला करंट एनर्जी नहीं है वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी पर सेकंड है तो यहाँ पे जो आपका स्टेप आप ट्रांसफार्मर है वो वोल्टेज को इंक्रीज करता है एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट क्लियर स्टेप डाउन में क्या होगा स्टेप डाउन में जो होती है मेरे पास आउटपुट वोल्टेज कम होती है और इनपुट वोल्टेज जो होती है वो ज़्यादा होती है तो यहाँ से मेरे पास ये रेशो जो वो लेस देन वन हो जाएगी तो जब ये रेशो लेस देन वन हो जाएगी तो आई पीज लेस देन आई एस हो जाएगा अब देखो यहाँ पे इनपुट वोल्टेज जो है वो ज़्यादा है क्लियर तो इनपुट करंट कैसा है कम है या फिर आपकी आउटपुट वोल्टेज जो वो कम है अगर आउटवु पुट वोल्टेज जो है वो कम है ना तो आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट कैसे है ज़्यादा तो ये आउटपुट वोल्टेज को कम कैसे करता है बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ करंट ठीक है तो एक चीज को बढ़ाता है एट द कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग द सेकेंड डाउन क्लियर तो ये मैंने आपको सारा बता दिया अभी वही चीज़ लिखा है तो ये एक क्वेश्चन आता है इट डज नॉट वॉयलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नेक्स्ट आता है एफिशिएंसी एफिशियंसी आपको ऑलरेडी पता है कि आउटपुट कितनी है और इनपुट कितनी दी है तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होती है ईटा वैसे रहेगा आउटपुट पावर है सेकेंडरी से जो मिलेगा तो वी और आई का प्रोडक्ट है तो ई एस आई एस अपॉन ई पी आई पी आइडियल ट्रांसफॉर्मर जो है तो इनपुट और आउटपुट जो होते हैं वो बराबर होते हैं तो ईटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास वन आएगी क्लियर नेक्स्ट आते हैं इसके एनर्जी लॉसेस एक आता है कॉपर लॉस जैसे आपने यहाँ पे बाइंडिंग की है कॉपर की तो आपको पता है जब इसमें से करंट फ्लो करके जाएगा तो कॉपर की वायर में से जब करंट फ्लो करके जाएगा तो उसमें रेजिस्टेंस होगी जब उसमें रेजिस्टेंस है तो करंट की वजह से वहाँ पर कुछ चीज़ जो है कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में रेडिएट हो जाएगी तो ये आपका एक लॉस आता है कि ट्रांसफार्मर में कॉपर की वायर जब हम यूज़ करते हैं तो जब करंट फ्लो करके जाएगा तो वहाँ पर वो करंट जो है वो हीट एनर्जी की फॉर्म में रेडिएट हो जाता है एनर्जी जो है सेकेंड है आयरन लॉस सॉफ्ट आयरन का पीस आपने लिया है सॉफ्ट आयरन के पीस पे आपने वाइडिंग की है तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो जो आपका सॉफ्ट आयरन का पीस है उसमें से जब फ्लक्स चेंज होगा तो आपको पता है कि एडी करंट डेवलप होगा तो जब इसमें से सॉफ्ट आयरन के पीस में से एडी करंट डेवलप हो जाएगा तो उसका तो कोई यूज़ ही नहीं है तो वो तो एनर्जी की फॉर्म में रेडिएट हो जाएगा हीट एनर्जी की फॉर्म में तो ये आपका सेकेंड लॉस आता है हमिंग साउंड के जैसे आप ट्रांसफार्मर के पास खड़े हो जाओ तो वहाँ पर एक साउंड सी प्रोड्यूस होती है ठीक है वाइब्रेशन की वजह से तो उसका तो ट्रांसफार्मर में कोई भी यूज़ नहीं है तो एक हमिंग नॉइस आता है क्लियर एक आता है हिस्टीरसिसज जब आप सॉफ्ट आयरन का पीस लेते हो फेरोमैग्नेटिक जब उसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन या फिर करंट का मैग्नीट्यूड जब बढ़ेगा तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं जब करंट का मैग्नीट्यूड घटेगा तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं तो हमारी एनर्जी का कुछ हिस्सा इस सॉफ्ट आयरन के पीस को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में भी जाता है जिसका ट्रांसफॉर्मर में कोई यूज़ नहीं है दैट इज़ ऑल्सो अ वेस्टेज ऑफ एनर्जी तो ये फोर एनर्जीज को आपने एक्सप्लेन करके क्लिक लेना है क्लियर कॉपर कहाँ आता है कॉपर वायर में आयरन लॉस कहाँ आता है या एडी करंट डेवलप होता है सॉफ्ट आयरन के पीस में जिसकी वजह से एनर्जी यूज़ होती है साउंड प्रोड्यूस होती है हिस्टेरिसिस मतलब करंट इंक्रीज करेगा मैग्नेटाइज हो जाएगा डिक्रीज़ करेगा तो डी हो जाता है ये आपने एक्सप्लेन करके लिखना है ओके सो दैट इज ऑल अबाउट योर ट्रांसफॉर्मर